एक समय था जब रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा बिल्कुल जुड़वा बहनों की तरह हमेशा साथ रहती थी। फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के दौरान प्रीति और रानी एकदम बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। उस समय दोनों एक क्लास की हीरोइन थी, लेकिन फिर अचानक दोनों के बीच दरार आने लगी। दरअसल प्रीति जिंटा अपने आप को हमेशा आउटसाइडर मानती थी। रानी से दोस्ती की वजह से उनकी करण जौहर और शाहरुख खान से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन प्रीति को हमेशा लगता था कि रानी मुखर्जी उनसे ज्यादा ऐश्वर्या राय को चाहती थी और उनकी तारीफ करती थी। ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत साथ में की थी, इस वजह से दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गई थी। रानी तो यहाँ तक भी कहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो ऐश्वर्या राय के साथ अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगी। लेकिन फिल्मों में कॉम्पिटिशन ने आखिरकार तीनों के बीच दीवार खड़ी कर ही दी। फिल्म चलते चलते में शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय को साइन किया था, लेकिन सलमान खान के हंगामे के बाद ऐश की जगह रानी मुखर्जी को ले लिया गया। ऐश्वर्या से झगड़े के बाद रानी प्रीति के पास वापस आ गई, लेकिन जब करण जौहर ने अपनी फिल्म कल हो ना हो के लिए प्रीति को साइन किया तो रानी को धक्का लगा। एक बार रानी ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि फिल्म इंडस्ट्री में कभी कोई दो हीरोइन दोस्त नहीं बन सकती। जैसे ही फिल्मों में ऑफर की बात आती है, आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। थैंक यू।